सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे आज बेंगलुरु के गोविंद स्वामी परेड ग्राउंड में सेना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। ये पहला मौका है जब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाहर सेना दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने सेना के जवानों को संबोधित किया। जनरल मनोज पांडे ने कहा कि पहली बार सेना दिवस परेड और इससे जुड़े अन्य कार्यक्रम दिल्ली के बाहर आयोजित किए जा रहे हैं। इसने सेना को लोगों से जुड़ने का एक सुनहरा अवसर दिया है। सेना प्रमुख जनरल पांडे ने कहा कि एलएसी पर हम एक मजबूत स्थिति में हैं और किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं। उत्तरी सीमावर्ती इलाकों में स्थिति सामान्य रही है और स्थापित प्रोटोकॉल्स और मौजूदा मैकेनिज्म के माध्यम से शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एक मजबूत डिफेंस पोस्चर बरकरार रखते हुए हम किसी भी कंटिजेंसी से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हमारे बहादुर जवान कठिन इलाकों और कठोर मौसम के बावजूद सतर्कता से इन इलाकों में तैनात हैं। उन्हें सभी प्रकार के हथियार, उपकरण और सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में दी जा रही है। सीमाओं पर स्थानीय प्रशासन, अन्य एजेंसी और मिलिट्री के मिले जुले प्रयासों द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी बहुत सुधार हुआ है। इसको और अपग्रेड करने पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने आतंकवाद का जिक्र करते हुए कहा कि एलओसी के दूसरी तरफ आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी मौजूद है। साथ ही पंजाब और जम्मू कश्मीर से सटी सीमा पर ड्रोन की घटनाएं देखने को मिल रही है, जिससे ड्रग्स की स्मगलिंग की जा सके, इसके लिए एंटी ड्रोन सिस्टम और जैमर लगाए गए हैं। जम्मू और पंजाब के इंटरनेशनल बाउंड्री सेक्टर में ड्रोन्स के जरिए हथियार और ड्रग्स की स्मगलिंग करने की कोशिश जारी रहती है। इस गतिविधि के खिलाफ भी काउंटर ड्रोन जैमर्स और स्पूफर्स अन्य इत्यादि उपकरण उपयुक्त कदम में लाए गए हैं। सेना प्रमुख ने आगे कहा कि नए आतंकी संगठन अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए टारगेट किलिंग कर रहे हैं। हम अन्य सुरक्षा बलों के साथ मिलकर इस चुनौती से निपट रहे हैं। मनोज पांडे ने कहा कि पिछले साल सेना ने सुरक्षा संबंधित चुनौतियों का दृढ़ता से सामना किया और सीमाओं की सक्रियता और मजबूती से सुरक्षा सुनिश्चित की। सेना ने क्षमता विकास, बल पुनर्गठन और प्रशिक्षण में सुधार के लिए कदम उठाए। जम्मू एंड कश्मीर के आंतरिक इलाकों में प्रगतिशील तौर पर सुधार देखा गया है। वहां के आवाम ने हिंसा को अस्वीकार किया है और सकारात्मक बदलावों का स्वागत करते हुए सभी सरकारी पहलों में बड़ी संख्या में जोर शोर से हिस्सा लिया है। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस के प्रयासों से हिंसा के मापदंडों में काफी गिरावट आई है, लेकिन कई प्रॉक्सी आतंकवादी तंजीमों ने अपने आप को विजिबिलिटी देने के लिए टारगेटेड किलिंग्स की नई टेक्निक अपनाई है। भारतीय सेना अन्य सुरक्षा बलों के साथ मिलकर इन प्रयासों को विफल करने पर संकल्पित है। सेना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। आज सेना दिवस भी है। हर भारतीय को अपनी सेना पर गर्व है। देश की रक्षा में, देश की सीमाओं की रक्षा में भारतीय सेना का योगदान, भारतीय सेना का शौर्य अतुलनीय है। मैं सभी सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को, उनके परिवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं।